ये पाखंड है, तो ये अंधश्रद्धा है, ये अंधविश्वास है। तो बेटा माँ की दूध पिए हो ना, तो जाके मोदी साहब को बोलो ना, या लेटर लिख के भेज दो कि आप पाखंडता को बढ़ावा दे रहे हैं आप, है ना। जी आप गुरु बोल जी, के तो देखो, फिर तुम्हें कहाँ कहाँ से तुम्हारी सिलाई होगी ना, ये तुम्हें पता होगा। अगर दम है तो बोलो ना। अगर मान लेना आज बोलते हो कि दिनेश्वर महाराज अंधश्रद्धा फैला रहा है, भक्ति है नहीं, शक्ति है नहीं, ये कर रहे हो, अरे तो हमारे मोदी साहब है, काशी विश्वनाथ में आके अभिषेक करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, हाँ जी गुरु उनको जी, जाके बोलो। जी जी उनको जाके बोलो ना, उनको तो बोलने की हिम्मत है नहीं। अब तुम आ जाते हो हमारे पास भैया, हमारे पास, जी हमारे जैसे अरबंगी के पास आ जाते हो, आओ तुम्हारी माँ की है, देखेंगे हम तुम्हें। अभी सबको मालूम नहीं ना, सभी को नहीं मालूम गुरु जी, कुछ लोगों को मालूम है कि आप क्या है, कौन कार्य कर रहा है आपके माध्यम से, कौन कार्य कर रहा है, अभी सबको इतना क्लियर नहीं। और किसी को है भी तो गुरु जी, कुछ लोग उसमें विश्वास करते ही नहीं है, मानते नहीं है उस चीज को। जब नहीं मानते तो गुरु जी वो तो ऊपर जो बैठा हुआ है ब्रह्मांड में या जो भी अरे हमारे हाँ पास में है, साथ हाँ में अरे है। मत सोचो, ये मत सोचो, खत्म तो मैं ही करूंगा, जी शुरुआत इन्होंने किया है, खत्म मैं करूंगा, ये गारंटी लिख लेना, गुरु जी, ये दावा है, चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ। जी आज की तारीख में जितने भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं ना, इनके साले लोगों का वीडियो देख लो है क्या, और जी है तो गुरु जी, कितनी गांड में खुजली मची हुई, वो भी देख ले, जी सब परिवार के साथ में बर्बाद होंगे, सबके पीछे हमने रॉकेट छोड़ दिया है, टेंशन मत लो, जी गुरु जी, बिल्कुल ये तो हम पहले ही रॉकेट छोड़ दिए हैं, जी हम रॉक ये सब छोड़ने में हम पीछे नहीं रहते, जी और चाहे गुरु उसके लिए हमें दंड मिले, चाहे कुछ भी मिले, चाहे महादेव दंड दे, चाहे माता दे, अगर महादेव दंड भी देंगे तो किस बदौलत देंगे भैया, हम तो भैया आपके नाम पे ही कर रहे हैं ना, कि आपको जी सबसे माने ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो उठाओ त्रिशूल और मार दो, सिंपल सी बात जी है ना, जी गुरु जी, बिल्कुल अगर मैं गलत करूंगा तब गुरु जी, गुरु तो यही जी सब सारी चीजें। ये बात भी तो समझनी चाहिए ना गुरु जी, कि आम एक इंसान है, इतना कार्य जो कार्य गुरु जी आप कर रहे हैं, क्या एक आम इंसान ऐसा कार्य कर सकता है? ये तो इतनी तो गुरु जी समझदारी होनी चाहिए कि कोई पावर ही है जो कार्य कर रही है सब कुछ, इतने इतने बड़े बड़े जिसको कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई ठीक नहीं कर पाया, उसको गुरु जी आप कर रहे हैं, तो क्या एक आम इंसान के वश का है ये सब करना? तो ये बात तो गुरु जी समझनी ही चाहिए, इस चीज को अगर समझ लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है गुरु जी, लेकिन समझते हुए भी समझना नहीं चाहता गुरु जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना ही नहीं चाहते, उनको मालूम है लेकिन फिर भी वो आंखें बंद करना चाहते हैं। नहीं देखो क्या होता है कि जी आप शांत हो जाओगे ना तो तुम्हें दबाने वाले बहुत आ जाएंगे, हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल दब शांत हो जाओगे, जब आप नहीं दोगे तो दबाने वाले बहुत आ जाएंगे तुम्हें, जी गुरु जी, हाँ तुम तन के खड़े हो जाओ, जी देख लो क्या चक्कर होगा। बिल्कुल गुरु जी, ठीक बात है और सबसे बड़ी बात है ये, मैंने चैलेंज बहुत पहले ही दिया था, मैंने बोला था 2018 में ही बोला था मैंने, जी है ना, जी और जो अभी किसी दरबार के पीछे पड़ा था, नाम नहीं लूंगा, इसे पागलों का नाम नहीं लेता मैं, जी जो काफी टाइम मीडिया में हाईलाइट हुआ जी है ना, उसने जी मेरे नाम का भी वीडियो बनाया, जी वीडियो लिंक चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा, जी गुरु जी सेंड कर दूंगा, देख लेना वीडियो लिंक, उसने मेरे जी नाम पे भी वीडियो बनाया कि दिनेश वर्मा ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है, बिना पूछे, जी अरे तूने देखा क्या है, तू ये बता मुझे, तू होता कौन है बिल्कुल बोलने गुरु जी, वाला, हाँ तू जी होता गुरु जी, कौन है, और तेरे पोल खोलू मैं, हाँ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए तू चले, जो अपोजिट लोगों से, अपोजिट पार्टियों से पैसे लेके अपनी दुकान चला रहा है, तू मुझे समझाएगा तू, हाँ तुझे कौन नहीं 1 रुपए देने वाला है रे तुझे, हाँ तो उसने 2018 में समथिंग ऐसा कुछ है, वीडियो लिंक देखेंगे तो मालूम कर जाएगा, तो जी उसी गुरु समय जी, मैंने बोला था मुझे पाखंडी बोल रहा है, जी मैंने बोला तुझे इतना ही शौक है चमत्कार देखने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट जाके जी पेपर बना और उसमें लिखवा देना, अगर इस चमत्कार के चक्कर में मारा गया तो इसमें दिनेश्वर महाराज का दोष नहीं है, समझे,
तो इनकी माँ बहन हो गई थी, तब तो उसका जवाब ही नहीं आया मुझे, एक वीडियो के बाद दूसरी जी वीडियो आया नहीं। बस इनको बस साधु संतों को बदनाम करने आता है, हाँ तुकाराम महाराज को बदनाम करने आता है, कृपालु महाराज को बदनाम करने आता है, हाँ सबको बदनाम करते हो, तुम्हारे गांड में दम है तो मुसलमानों के खिलाफ बोल के देख। तो इनको तो मैंने उसी समय धमका दिया था, उसी समय गाली दिया था, फिर बाद में इस बेचारे को ले लिया खांचे में, बालाजी वाले को ले लिया खांचे में, हाँ वो तो पूरा मीडिया, मीडिया पूरा टीआरपी मिल गया भैया, चलो ठीक है। हाँ मीडिया, मीडिया भी इतनी बड़ी पागल है, पहले उसको किसने गाली दिया है पहले वो भी वीडियो रिकॉर्ड चेक करें पहले। हमने तो गालियां दिया है तुम्हें, माँ बहन की गालियां दिया, क्यों उखाड़ने आ गए तुम? हाँ उसी महाराष्ट्र में था ना, उसी महाराष्ट्र में क्या उखाड़ लिया तूने? तू तेरी शर्त रखेगा, तुम जीत, तुम एक प्रयोग को 3 बार कराएंगे, एक बार कराएंगे, 2 बार, 3 बार, अगर तुम जीत गए तो 21 लाख रुपए, तेरी 21 लाख रुपए रख ले, हम तो सिर्फ हैक करेंगे जो चीज है ना, शायद उससे तो तुम बचेगा नहीं, तो मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाया उसने, जी तो ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ नहीं बनाया मैं। अरे महेश बाबू, इस फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं, आप नहीं समझते हो, ये गुरु सनातन को बदनाम करने के लिए इनको विदेशों से पैसे आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से पैसे आते हैं, ठीक जी है, ये इनके इनके घर चलते कैसे, इनका बाप कमा के रखा है क्या? हाँ जी गुरु ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं ये, हाँ तो ये सब हमारी सरकार में सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा विडंबना है, इनके पीछे सीबीआई लगाओ, देखो पूरे के पूरे खाल निकल के चले आएंगे, जी समझ गए? ये हमें हमें सिखाएंगे, हमें सिखाएंगे कि भगवान होता नहीं है, ये पाखंड है, ये है, तो हमारे सवालों का जवाब पहले दे दिया होता तू, अभी क्यों, अभी तू किसी को बेचारे को सीधा साधा समझ के उसके पीछे पड़ लिया, फिर भी उसमें क्या उखाड़ लिया तूने, क्या उखाड़ लिया गुरु जी उसके, जहां तो पे जितने गुरु दोस्त जी दिखाया ना परमात्मा, तुम, गुरु जी जहां पे परमात्मा स्वयं साथ में है, शक्ति साथ में है, महादेव साथ में है, वहां गुरु जी कोई क्या कर सकता है? अगर व्यक्ति सही है तो गुरु जी उसका कुछ नहीं कर सकते कोई भी। अगर वो गलत है, गलत कार्य कर रहा है, तो गुरु जी बात अलग है। चलो भाई वो व्यक्ति गलत है, और गलत व्यक्ति के साथ कभी भी शक्ति, चाहे वो काल भैरव है, चाहे वो महादेव है, माता, कभी नहीं वो साथ देती गुरु जी कभी। और आप नहीं गुरु जी इतने टाइम मैं से कर रहे 2000 हैं, 2018 में, 2018 में सारे तांत्रिकों को एक घोषणा की थी, मैंने वीडियो शायद आज भी पढ़ा है, जी मैंने बोला सनातन के लिए तुम भी काम कर रहे हो, सनातन के लिए हम भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, तो जी गुरु आपस जी में मतभेद क्यों, किस बात पे, तो जी अगर मान गए होते ना, कब का अंधश्रद्धा बोलना, ये दुनियादारी करना, जड़ी उखाड़ के फेंक दिया होता मैंने, जी गुरु जी समझ गए? लेकिन जी नहीं, क्या करोगे, इनको खुजली जो है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो साले यहाँ क्यों पढ़ा है ये बता, मैं बड़ा मैं बड़ा, जाओ अपनी उड़ती हुई तीर अपने पछवाड़े में डालो, निशाना बनो, तुम सभी के निशाने में आ जाओ, हमें कोई शौक नहीं है, मीडिया को बुलाओ, दुनियादारी करो, अरे आना है, जब आना है आ जाएगा, दावत जी देना है क्या, हाँ जी गुरु जी जब आना है आ बिल्कुल जाएगा, सिंपल सी बात है, तो बोलने का मतलब ये है कि जब मैंने इनको मैं प्रस्ताव डाला था कि आप एक साथ में मिल जाओ, उसके बाद कैसे धज्जियां उड़ानी है हम देखते हैं, है ना, लेकिन जी नहीं, इनको रहमानी सुलेमानी बहुत पूरी तरह से घुसा था कि इनका दरबार हमारा बड़ा, कभी वो उस दरबार वाले को गाली दे रहा है, कभी वो उसको गाली दे रहा है, कभी इसको, आज मैं बोलता हूँ आप यूट्यूब पे सर्च करो, दिनेश्वर महाराज फ्रॉड है, ढोंगी है, पाखंडी, एक वीडियो आ जाए तो बता देना मुझे, जी और सारे दरबार वालों का नाम लिख के वहां डालो, गूगल करो या तुम यूट्यूब पे डालो और उसमें देखो सबके सब निकल के आएंगे, तो गुरु जी मेरा सही भी बात दोबारा चाहिए ना, हाँ जी मेरा भी आना चाहिए भैया, कि मैं भी चोर हूं, पाखंडी जी हो, गुरु मैं भी, अरे हम तो कहते हैं हम सबसे बड़े पाखंडी है, तुम एक बार मेरे चंगुल में आ जाओ बस जी तुम एक बार आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी जलवा तुम्हें हम दिखाते हैं, है ना, दोबारा गुरु जी तुम्हारी, पखंडी नहीं कहेंगे कभी किसी को हाँ? मैंने कहा दोबारा कभी किसी को पखंडी नहीं कहेंगे कोई भी अरे छोटा सा एक बाबा भी रास्ते से गुजरेगा ना, इनकी गांड इतनी फटेगी ना कि ऐसा लगे अंगार लग जाए, जी समझ गए? तो जी गुरु ये जी सब सारी चीजें हैं, हमारे सनातन को तोड़ने वाले बहुत आए और गए, कुछ जी उखाड़ नहीं पाए, सनातन को ये लोग हलवा समझते हैं, सनातन को ऐसा लगता है कि जैसे इनके बाप की जागीर है,